तो योगी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। नई योजना चलाने से क्या फायदा, पहले जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उन पर प्रगति की जाए। सिर्फ और सिर्फ हौसला है। सबका साथ सबका विश्वास, आज बीजेपी के इसी नारे को पैमाना मानकर दिन की सबसे बड़ी बहस में मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, साल 2019 में जब मोदी सरकार केंद्र के तख्त पर बैठी तो यही नारा दिया गया। सबका विश्वास में सभी धर्म सभी वर्ग शामिल भी हुए, लेकिन आज भी बीजेपी पर एक खास वर्ग का विरोधी होने का आरोप विपक्ष जो है लगाता आ रहा है। इस बीच सभी धर्मों की तलाकशुदा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने योजना शुरू की है, हर वर्ग की महिला को मदद का वादा दिया गया है। तो क्या इस फैसले के बाद भी सरकार पर सवाल उठेंगे? अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि 500 रुपए में किसका भला होने वाला है, तो क्या ये फैसला महज खानापूर्ति है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तह तक अगले एक घंटे बहस होगी। तमाम मेहमानों के साथ आज बीजेपी के सबका साथ सबका विश्वास वाले नारे की सच्चाई को भी हम परखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। पतियों के द्वारा छोड़े गए महिलाओं के पुनर्वास से उन्हें 25 सितंबर 2019 को सीएम योगी ने ये ऐलान किया और अब वादे को पूरा भी कर दिया। यूपी में तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार तोहफा लाई है। यूपी में तीन तलाक ही नहीं बल्कि तलाक का दंश झेलने वाली हर महिला को अब सरकार की तरफ से सालाना 6000 रुपए दिए जाएंगे। और सरकार के इस फैसले के बाद अब तलाक से पीड़ित हर महिला में खुशी नजर आ रही है। ये जो भी ऐलान किया बहुत अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि इस जो भी हम लोग को पैसा मिल रहा है इस पैसे से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने घर में रोजगार डाल सकते हैं। और बहुत मतलब योगी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, इससे काफ़ी आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक हो रही है और काफ़ी मदद भी हमें इससे मिली है। बहुत अच्छा किया है, उससे हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते हैं तलाक के बाद भी, और अपने खुद के लिए भी कुछ भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने किया है मैं इसे यही कहूँगी, बहुत अच्छा किया है। तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए सरकार स्कीम लेकर आई तो इसमें मुस्लिम हिंदू हर महिला को शामिल किया गया। सरकार ने एक बार फिर सबका साथ सबका विश्वास के तहत फैसला लिया। अब सरकार के इस कदम को विपक्षी दल महज खानापूर्ति करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे बड़ा कदम बता रही है। बीजेपी अगर तलाक पीड़ित महिलाओं को 6000 देने की बात कर रही है तो हमको लगता है सिर्फ और सिर्फ हौसला है। उन महिलाओं के दिलों से पूछे जिनके घर के आज उनके पुरुष उनके भाई हैं उनके पति हैं आज जेलों में बंद हैं, उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उन हिंदू महिलाओं से पूछिए जो रोज़ाना आत्महत्या कर रही हैं, बदन में आग लगाती हैं, जल जाती हैं, जिनके साथ लगातार शोषण की घटनाएँ हो रही हैं, बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएँ होती हैं, उन महिलाओं की भी सुध लेनी चाहिए सरकार को। अगर ऐसा नहीं करती है, समग्रता में नहीं करती है, तो यही माना जाएगा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ ढकोसला कर रही है, ये किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती। देखिए, तीन तलाक आधी आबादी पर बहुत बुरा असर डालता था, है ना, और एक आधी आबादी पर को प्रताड़ित करने के लिए एक तीन तलाक जैसा शब्द था। कानून के रूप से भी उसे हटाया गया और ऐसे लोगों को कानूनी मदद भी की जा रही है, और अब साथ में ऐसी प्रताड़ित महिलाओं के लिए आर्थिक भी सालाना मदद 6000 रुपए की जा रही है। सरकार का मतलब यह है कि समाज के सभी वर्ग सभी धर्म के लोग बराबरी का जीवन व्यतीत करें, इसलिए मुस्लिम महिलाएं जो तीन तलाक से पीड़ित है उन्हें 6000 रुपए वार्षिक मदद देने का शुरुआत की जा रही है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार अपने बच्चों को पाल सके और अपनी स्थिति को समाज में रहने लायक बना सके। विपक्षी दल अभी तक जिस पार्टी की सरकार को एक खास वर्ग विरोधी बताते आए थे उसने अपने फैसले के बाद साफ कर दिया कि सरकार सभी के लिए बराबर है। तलाक पीड़ित महिलाओं को पैसे देने की बात हो तो सीएम योगी के फैसले में हर धर्म हर वर्ग को शामिल किया गया, लेकिन 6000 रुपए सालाना मतलब हर महीने 500 रुपए के सहारे जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये सवाल भी खड़ा होता है। कानपुर से नीरज अवस्थी, लखनऊ से संदीप खेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R19।
तो सरकार ने एक फैसला लिया है और पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की से बात कही थी कि महिलाओं को मदद दी जाएगी। अब R9 के सवाल उठ रहे हैं कि सबका साथ सबके विश्वास में भी लोगों को आपत्ति क्यों उठ रही है, महिलाओं की मदद के फैसले का विरोध क्यों हो रहा है, अभी बीजेपी को एक खास वर्ग का विरोधी मानेगा क्या विपक्ष, सिर्फ 500 रुपए महीने में महिलाओं का गुजारा कैसे होगा, ये भी एक सही बात है, राजकोषीय घाटे को कवर करेगी यूपी सरकार, तलाक रोकने के लिए कब उठाए जाएंगे कदम, ऐसी नौबत ही ना आए कि तलाक हो, इसके लिए भी कदम उठाना चाहिए। तो हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो है जुड़े हुए हैं, चलिए सभी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज तिवारी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इफ्राजान सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। परमहंसाचार्य जगत गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजीव कौशिक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ी है, अगर पैनल हमारा कहे तो हम उनका भी इंट्रोडक्शन करा दे। जीनत खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त अभी अभी आई हैं, इसीलिए उनका इंट्रोडक्शन भी। जीनत जी वेलकम। तो सबसे पहले तो जीनत और इफ्रा जाना, आप ही पर जाना चाहूंगी। इफ्रा पहले आप पर आती हूँ। फैसला अच्छा है, निर्णय अच्छा लिया गया है। हाँ 6000 जरूर सवाल उठ रहे हैं कि 6000 में क्या होना है, कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए इसका आइडिया अच्छा है, लेकिन 500 रुपये प्रति महीना मिलना बहुत ही कम है। दूसरी बात, हम बार बार तलाकशुदा औरतों की तो बात करते हैं, हम उन औरतों की बात क्यों नहीं करते हैं जिन्हें उनके पति छोड़ के चले गए हैं बिना तलाक दिए, जिसमें एक यशोदा बहन भी है। तो मेरा योगी जी से सवाल रहेगा, क्या आप यशोदा बहन को भी ये 500 रुपये देने को तैयार होंगे? तीसरी बात, एक बार आपने तलाकशुदा महिलाओं की बात कर ली, आप महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते? निर्भया फंड जो दिया गया था योगी सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से कि महिलाओं को सुरक्षित कीजिए, स्ट्रीट लाइट लगाइए ताकि इनका बलात्कार ना हो, उस निर्भया फंड में मोदी जी ने, योगी जी ने एक पैसा भी महिलाओं के लिए खर्च नहीं किया। तो पूरे देश की बात है इफ्रा जी, ये तो पूरे देश की बात है। निर्भया फंड को देख लीजिए तो कहीं पुलिस वालों के मकान बन रहे हैं, फंड का उपयोग नहीं हो पा रहा है, फंड के पैसे कहीं और लग रहे हैं। चलिए ये तो एक अलग बात हो गई, रेप की घटनाओं पर तो लगाम लगा नहीं पा रही है सरकार, लेकिन ये एक निर्णय लिया गया है कि सभी महिलाओं को, इसमें धर्म जाति नहीं देखी जाएगी, तो एक अच्छा निर्णय। एक बार जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता आया है कि एक धर्म विशेष को लेकर कहीं ना कहीं विरोधी इसकी रही है बीजेपी, तो ये एक अच्छा फैसला, आप लोग कबूल करते हैं इसे? देखिए आप क्या बोल रही है, कोई भी फंड जो आता है, चाहे विडो पेंशन फंड है, पेंशन स्कीम है, आधार है, चावल है, राशन है, जब भी कभी ना तो कांग्रेस के टाइम पे ना तो बीजेपी टाइम, किसी टाइम पे ऐसा सवाल नहीं होगा ना, आप फंड लेने वाले से नहीं पूछेंगे आप मुसलमान हो कि हिंदू हो, सिर्फ एक को फंड नहीं, तीन तलाक तो इस सरकार ने दिलाया ना इफ्रा, तीन तलाक तो आखिर इस सरकार ने दिलाया, तो क्रेडिबिलिटी तो सरकार की बढ़ती है, और वहां पे तो कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी उनको वो मिले हक कि हाँ भाई हमने ये किया, तीन तलाक तो कर नहीं पाई कांग्रेस। तीन तलाक उनको मिला है जो एक कहना चाहिए जो हाईलाइट होने के लिए, जो महिला पहले से प्री प्लान थी उन सबको तीन तलाक मिला है, वरना और किसी को तीन तलाक नहीं, नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी, ये मैं ग्राउंड रियलिटी की बात बता रही हूँ। फैक्ट्स रखिए, फैक्ट्स मेरे पास दो सबूत है, एक मेरी एक महिला है उसका नाम है आसमा परवीन, उसके हस्बैंड ने उसको 2 साल तक उसके साथ शोषण किया, उसे छोड़ के चला गया है, और उसकी मैं उसके साथ में खुद मैंने धक्के खा लिए हर जगह, और उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। तीन तलाक का कानून जो कहता है वो तो आपको पता ही होगा, पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बावजूद भी उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिला है, और पुलिस उससे ये कहती है कि आप इस थाने में जाइए, आप उस थाने में जाइए, उसका डेली आज एक कानून तो बना, आप अगर ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाइए, चाहे आए कांग्रेस की सरकार होती, कोई भी सरकार होती, उसको सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी थी और कानून बनाना था। इफ्रा जान और जीनत खान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार के एक सकारात्मक कदम को भी खासकर उस तरीके से ना देख पाना। देखिए अगर आप 6000 पेंशन की बात करेंगी तो शायद मैं भी आपके साथ खड़ी नजर आऊं कि इतने पैसे में
में क्या होगा, 500 रुपए में क्या होना है। लेकिन अगर एक सकारात्मक कदम, क्यों नहीं कांग्रेस के शासनकाल में ये 3 तलाक हो गया, छेड़छाड़ करने की भी बात नहीं हुई, कांग्रेस ने दम भी नहीं दिखाया, लेकिन अगर किसी सरकार ने ये कर दिखाया तो कम से कम एग्जीक्यूशन में कमी आ रही है, आप उसके लिए आवाज उठाइए, लेकिन सरकार के सपोर्ट तो कीजिए कि आपके लिए सकारात्मक कदम तो उठाए। कम से कम वो मुस्लिम महिलाएं जो अपने हक के लिए बात रख सकती हैं वो तो आगे आएंगी, और ऐसे केसेस जब बढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे नीचे तबके के लोगों तक को भी पता चलेगा कि हमें अब इस तरह से हम 3 तलाक नहीं दे सकते, इसको तो कम से कम मानिए। जी देखिए, 3 तलाक जो है ये एक बहुत ही वाहियात चीज थी हमारी सोसाइटी में, लेकिन 3 तलाक सिर्फ एक मुस्लिम सोसाइटी में और किसी भी सोसाइटी में एक तलाक थी नहीं, ये थी नहीं पहली बात, 3 तलाक थी नहीं हमारी सोसाइटी में, काफी कम थी, बिल्कुल मतलब इतने थी नहीं, कोई प्रोसेस ना, ये तो सिर्फ जो कुछ मौलाना है उन लोगों ने हमारी, जो कहना चाहिए जो मुस्लिम हम लोग जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन आपको बता दूं अगर आप ये कहेंगे कि 3 तलाक के मामले होते नहीं है तो ऐसा गलत है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 23 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको यूं ही छोड़ दिया गया है, मैम तलाक तो दूर, उनसे पति अलग हो गए, ये आंकड़े हमारे लिए 2011 की बात, और धीरे धीरे जब से 3 तलाक कानून आया उसके बाद 250 से ज्यादा यूपी के मामले हैं कि उसके बाद भी तलाक दिए गए। तो अगर एग्जीक्यूशन में कमी रह जा रही है तो आप सरकार पर कहिए कि आप एग्जीक्यूट कीजिए सही तरीके से, लेकिन सकारात्मक एक कदम अगर उठाई गई है, एक पहल की गई है, खामियां जो रह गई है वो गिनवाइए ना, आप लोग तो सीधे बोलने की जरूरत ही नहीं, बात बताइए वो रास्ता बताइए सरकार से, किस तरह से अपील की जाए, सरकार को किस तरीके से बताया जाए, जब सरकार ने ये लॉ ला के पास कराया था कि एक बार में 3 तलाक कहने से 3 तलाक नहीं होगी, तो उनको वो रास्ता भी तो बनाना चाहिए था ना, क्यों एफआईआर प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कैसे कैसे उसमें आपको कैसे हमको इन्फॉर्म करना है, जब पुलिस आपने यहाँ बिठा रखी है सुरक्षा के लिए और पुलिस को हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, हम उसके लिए अब कहां जाए, कैसे हमने करे, मैंने सब जगह ट्वीट कर चुकी हूं, मैं पीएम मोदी जी को लेटर लिख चुकी हूं, मेरे पास सारा प्रूफ है, अगर मैं लेके आती हूं चीज को, देखिए ये एक पहलू हो सकता है जीनत खान, मैं इसे दो राय नहीं रखती, जब कानून बनते हैं, देखिए जब कानून बनते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम देख ले तो डिवोर्स को लेकर पहले से चीजें बहुत क्लियर थी, और आज हम देखें कि हिंदू महिलाएं भी ऐसी बहुत हैं जो डिवोर्स फाइल कर चुकी हैं और उन्हें भी इन केसेस के पीछे इस लफड़े में फंसना पड़ता है, साल दर साल बीतते जाते हैं और आपको डिवोर्स नहीं मिल पाता है, एक भी पक्ष अगर अड़ जाए, ये केसेस जानते हैं, लेकिन कम से कम एक पहल, एक हक तो आपको मिला कि आप 3 तलाक देके निकल नहीं सकते, एग्जीक्यूशन कैसे करना है इस पर ध्यान देने की बात है, हमको बिल्कुल ये चीज मिली, लेकिन आप उनमें बार बार कह रही हूं सेपरेटेड महिलाओं की बात क्यों नहीं करते हो, जब सेपरेटेड महिलाओं की बात हुई तो यशोदा बहन हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वाइफ को कभी देखा भी नहीं है और उनको छोड़ दिया है, क्या हम यशोदा बहन जिस देश में होती हैं तो आप उस देश में छोटे छोटे लोगों को क्या बोलती हैं, हम तो कभी उन पे सवाल नहीं कर सकते हैं, क्या योगी जी 400 रुपए 500 रुपए उनको भी देंगे, हमारी देश में उन औरतों के लिए, यशोदा बहन जैसी औरतों के लिए जिनको उनके पति छोड़ के चले गए हैं, वो तो कहीं कानून में उनका जिक्र भी नहीं है, क्या भाजपा सरकार उनका जिक्र करेगी? अगर आपको नहीं पता है तो यूपी में कई ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को छोड़कर अगर पुरुष चले गए हैं तो ऐसा भी नियम है मैम, कई योजनाएं हैं, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हालांकि इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, देखिए जानकारी होना एक अलग बात है, सरकार ऐसी महिलाओं को भी पैसे देती है जिनके पति उनको छोड़ के चले गए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगी, दूसरी बात अगर आप दूसरी शादी देखिए कुछ सामाजिक पहलू होते हैं, आप हर चीज को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती, ऐसे ब्लेम लगाना, सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू किया, अब जब सरकार ने देखिए 3 तलाक पर जब चर्चा हुई तो सब लोग विरोध में खड़े हो गए, बिल्कुल, अब इसके बाद सरकार ने, हम कहते 500 रुपए आप कह रहे हो कम हो, पिछली सरकार ने 1 रुपए नहीं दिया, आपने पिछली सरकार के बारे में जिक्र नहीं किया, और वर्तमान सरकार एक मानवता के लिए कदम उठा रही है, अभी ये कह रही है कि 3 तलाक जैसे कोई चीज नहीं थी, और अगर सुनिए एक मिनट, आपने कभी जिक्र किया, सुनिए मैं बताती हूँ कि हमारे मजहब में 3 तलाक नहीं थी, और मैं ये तो मेरा ये देखिए, मैं फख्र से मैं बिल्कुल चैनल के सामने ये कह रही हूँ, ये जो भ्रांतियां फैलाई गई थी ये हमारे मौलानाओं की कमी थी, उन लोगों ने मौलानाओं के विरोध में आपने कभी खड़ी हुई, 3 तलाक के बाद हलावा होता था,
हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति के विपरीत नारी पर सबसे बड़ा जीनत खान, मुझे लगता है ना अगर आप ये बात कर रही है तो आप अपने एंड से कह रही है मैम, और ऐसी महिलाएं हर जगह मिलती हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो वाकई में ऐसी महिलाएं हर धर्म में मिलती है जो खुद की लड़ाई लड़ती है, दूसरों के लिए भी लड़ाई लड़ती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है मैम। आंकड़े अगर हम बात कर लेना तो आप ये कह रही है कि हमारे में ट्रिपल तलाक नहीं था, फिर ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? अनिल मिश्रा जी, संजीव कौशिक बैठे हैं हमारे साथ, संजीव पहले में आपके मजहब में नहीं था, नहीं मजहब में नहीं था, मौलानाओं ने तो फैला रखा था मैम। अरे आपके यहाँ तो फतवा जारी कर दिया जाता है अगर देश के लिए भी आपकी बेटी खेल रही है कि आप इस तरह के ड्रेस पहन के, सबको पता है सानिया मिर्जा के साथ क्या हुआ था। संजीव कौशिक, एक अच्छी पहल, हम इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं कि इतने कम रुपए में क्या होता है, 500 रुपए प्रति माह क्या होता है, महंगाई देखिए और उसके बाद, लेकिन एक अच्छी पहल तो की गई है। अब जिस तरह से जीनत और इफ्रा कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक हमारे में नहीं होता था, आपने कर भी दिया तो क्या किया, अभी भी मामले बढ़ रहे हैं, फिर उस पर भी कह रही हैं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, देखना होगा कि अगर बने हुई है चीजें, अगर ऐसी ऐसी योजनाएं लागू हैं लेकिन एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है तो गलती कहां हो रही है, सरकार को नॉक करने की जरूरत है कि एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए श्वेता, दो तरह से आप इसको देखें, एक तो पहली बात यह कि ट्रिपल तलाक कितने परसेंटेज है नहीं है वो एक अलग विषय है, बहस का मुद्दा है, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल चर्चा यह है कि क्या 6,000 रुपए काफी है। मैं समझता हूं कि दो नजरिए से आप देखें, यदि ये देखें कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा हो उसके लिए 6,000 बहुत बड़ी रकम है, लेकिन दूसरे नजरिए से यदि आप देखें तो 500 रुपये महीने की बात होगी और 16 रुपये कुछ पैसे रोजाना की बात होगी, यदि एक आदमी के ऊपर जोड़ के देखा जाए तो एक आम आदमी के जीवन में 16 रुपये रोजाना की कोई अहमियत है या नहीं है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। आप खुद एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं। तो दोनों तरफ से आप देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अभी लाने की जरूरत पड़ी क्यों, जिस तरह से NRC और जो NPR वर्तमान में जो हिंदू मुस्लिम की बात एक हो रही थी, एक तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। आप ये देखेंगी कि कैसे केवल यदि तलाकशुदा महिलाओं को ही देने की बात होती तो फिर एक और बहस हो जाता और उस बहस में हम लोग पड़े रहते। बड़ी चालाकी से एक तुष्टिकरण की बात छेड़ दी गई है और बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ, फिर मैं बोलूँगा कि जिसे कुछ नहीं मिल रहा था वैसी महिलाएं जो बिल्कुल तलाकशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, शायद एक बार मिले, एक मुश्त यदि ये रकम मिले उनके जीवन में कुछ। बात करिए, गोल गोल घुमा के नहीं, गोल गोल घुमा, अब बात हाँ, गोल गोल घुमा रहे हैं, बताइए गोल गोल, गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं, कोई फर्क नहीं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ तो मिल रहा है, एक बात करिए, कुछ नहीं मिल रहा था या कुछ मिल रहा है, नहीं, कुछ तो मिल रहा है ना, कैसे इनकार करेंगे, एक फायदा क्या है, 6,000 रुपए एक तरफ ये हो गया, कुछ मिल रहा है, मुझसे यदि 6,000 रुपए मिले इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप एहसान रख दिया है, कुछ हम लोग वैसी औरतें हैं जिनके पास कमाने की कोई साधन नहीं है, पति ने तलाक दे दिया है, 6,000 आपने तो उसे तो कर दिया ना, आपने तो कर दिया कि 500 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब ना तो वो चीज है कि वही गंगा, दोनों चीजें मैंने कही, दोनों चीजें मैंने कही, आप कहते हैं 500 रुपए कम है, यदि 500 रुपए कम है तो 500 रुपए भी जिसके पास नहीं था, जिसके पास तेल साबुन के लिए पैसा नहीं था, 500 रुपए में कम से कम एक महिला तेल साबुन तो खरीद ले, उसके लिए अभी तक उस महिला के लिए क्या सोचा गया जो तलाकशुदा महिला थी, उसके लिए क्या आप लोगों ने क्या आपके मजहब में क्या जो सोचा कि मेरे पास नहीं है, अगर सरकार ने किया उसके लिए 4 आदमी खड़े हो जाएंगे उसको हेल्प करने के लिए, सपोज करो किसी के पास नहीं है, मैं भी जाके हेल्प कर सकती हूँ, आप भी हेल्प करेंगे, और जिसको ये लग जाएगा उसको तो 500 रुपए आ रहे हैं, तो ये मैं सबके बता रही हूँ, मेंटेलिटी नहीं, तो जीनत आप इसका वेलकम नहीं करती हैं, आप सीधे तौर पर क्या कहना चाहती हैं, दिन में 16 रुपए आप दे रहे हैं, एक दिन में 16 रुपए तो मतलब आप उसको बढ़ा, तो अभी तक तो मिल ही नहीं रहा था, मुद्दा तो बहस का तभी बना जब मिलने के लिए हुआ, ये एक डाइवर्जन है, ये एक जो मोदी योगी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक डाइवर्ट, क्योंकि दिन में 16 रुपए 15 रुपए तो कोई भी कमा लेगा, कहीं बर्तन धो लेंगे वहां भी 100 रुपए 200 रुपए मिल जाएंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि फिर ये क्यों लाया गया, ये लाया गया है असल मुद्दों से जो हमारे देश में अभी हो रहे हैं, जैसे NRC NPR और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी का मुद्दा है, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उन्हीं मुद्दों से हटाने के लिए जवाब दीजिए। देखिए मैं इतनी देर से सुन रहा था, मेरे एक पैनलिस्ट हैं, बार बार वो यशोदा जी नरेंद्र, कुछ लोगों का तो हमें लगता है सुबह का खाना ही रात का खाना नहीं हजम होता होगा जब तक मोदी जी को 2-4 गालियां ना निकाल लें, वो कृष्ण राधा को, गौतम यशोदा को तमाम बड़े बड़े एग्जाम्पल देके अपनी बातों को सही करने की कोशिश करेंगे। यही बात जब 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के लिए दिया जा रहा था 2019 में पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया तो लोगों ने 16 रुपये 15 रुपये का आंकड़ा किया और जनता ने 303 सीट देके और 355 सीट देके ये बता दिया कि 6,000।
रीजन क्या है कि जब किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है और सिर्फ ये 500 रुपया नहीं दिया जा रहा किसी व्यक्ति को, ये एक इनिशिएटिव किया जा रहा अन्य योजनाओं के भी माध्यम से उन महिलाओं को वो दिया और चीजें दिया जाएगा। कोई हो सकता है 60 साल से उम्र में बड़ी हो तो उनको वृद्धा पेंशन योजना मिल जाएगा, कोई हो सकता है क्या कहते हैं विधवा पेंशन योजना मिल सकता है, और ये एडिशनल तो कांग्रेस की सारी योजनाएं थी, पेंशन योजना भी कांग्रेस ने लाई थी। मैं ये कहां मना कर रहा हूं कि नहीं लाई थी, मैं ये कहां मना कर रहा हूं नहीं लाई थी। अरे एक मिनट मैडम चुप हो जाइए, मैं आप जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रही मैं नहीं बोला, मैंने कहां मना किया कि मैंने मनरेगा जो कांग्रेस ने लिया उसको तो और हमने अकाउंटेबिलिटी करके और बढ़ा दिया उसको, तो हमने मना कहां किया, हम तो और बढ़ा रहे हैं, हम खींच नहीं रहे। आपने नरेगा का फंड कम कर दिया है, आप दिखाइए कौन से पेपर नरेगा का फंड कम किया, आप आके झूठ बोलेंगे टेलीविजन के ऊपर आप मान जाएंगे, आप दिखाइए पेपर में कौन सा बजट दिखाइए कौन सा बजट में कम किया गया नरेगा के फंड में, ऑलरेडी 5000 करोड़ डाइवर्ट मत होइए मुद्दे से, आप आके फ्रॉड और झूठ बोलेंगी, आप बैठ के यहाँ पे कपोलकल्पित कल्पना करेंगे और मैं सुनता जाऊंगा, इतनी देर से आपकी कल्पना सुन रहा था मैं, इतनी देर से मैं सुन रहा था। मैडम बहुत पढ़ा लिखा नेता हूँ, आप हमें घुमाइए मत, नरेगा के फंड को कम, मैं ई गवर्नेंस बहुत अच्छे समझता हूँ, आप हमें समझाइए मत, आप बताइए कौन सा, आप नहीं बजट दिखाइए, इकोनॉमिकल फोरम आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स जो आती है कि नहीं आती आपको, आप बजट आता है ऑनलाइन है आपके पास, इंटरनेट होगा ही, मेरे पास नहीं इंटरनेट, नहीं है तो आपका दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने दिया नहीं इंटरनेट आपको, कांग्रेस ने आपको इंटरनेट दिया, राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे तो आपको दिए थे नहीं दिए थे, वो कंप्यूटर कहाँ गया, इनके पास इंटरनेट नहीं है। आप क्या, आप देखिए कोई फाल्स एलिगेशन मत बैठ के लगाइए कि ये मनरेगा के अंदर चिल्ला के पीयूष गोयल जी ने बजट बढ़ाया था, आप फाल्स एलिगेशन मत लगे, आप आइए प्रूफ के साथ आइए, और ये जीना जी की बात जो कह रही बार बार ट्रिपल तलाक की, मैं एक मिनट रुक जाइए, मनरेगा जो है उसके बारे में प्लीज बताइए, आप उसको गुमराह करना उसको गुमराह करिए, आप फैक्ट पे बात करिए, लाके यहाँ पे प्रूफ के साथ बात करिए, आप फैक्ट के साथ बात करिए, आप मनरेगा बिल की क्या बात कर रही है, सर मेरी बात का जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए जीना जी, आप बता रही, आप ओबैसी जी से पूछे जो चिल्ला रहे थे ट्रिपल तलाक में हस्बैंड जेल चला जाए, जब ट्रिपल तलाक होता ही नहीं तो आपके तो हस्बैंड क्यों जेल चला जाएगा, ओबैसी जी क्यों जाके इतना चिल्ला रहे थे, अपना नेता मानते किसने आपसे कह दिया, आप इंडायरेक्ट लीडर, आप मानते हम मानते हैं, लगा रहे हमारा नेता है कौन, हम लोगों को तो भीख में दिया गया है 500 रुपए की, तुम लोगों की ये औकात है, ये मुसलमानों को दिखाया जाता है, भीख में नहीं दिया गया है, आप जैसे लोग गुमराह करते हैं लोगों को, ये भीख में दिया गया, ये दिया गया, विधवा पेंशन योजना ऐसे दिया गया, किसान यही चिल्ला रहे थे किसान सम्मान निधि में, आपके जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी है चिल्ला रहे थे किसान सम्मान निधि में 17 रुपए पर डे मिलेगा, क्या होगा कुछ नहीं हुआ, 300 रीजन क्या है कि जब जनता को एक पॉजिटिव वे में कोई चीज दी जाती है कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, आप ट्रिपल तलाक की बात करती है तो ट्रिपल तलाक की जब सही नहीं थी चर्चा की क्या बात है, तब जेल जाने का क्या डर है, आप जैसे कह रहे हैं मैं मानता हूं आपके हिसाब से ओबैसी गद्दार है, हम भी मानते हैं ओबैसी देश का सबसे बड़ा गद्दार है, किंतु आप जो कह नहीं सुनिए, जो आप ये कह रही हैं कि हमको 500 की ये करीब 500 की औकात तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, जो भी तलाकशुदा महिलाएं हैं चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो सबके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू किया है, इसको जो है इसका स्वागत करना चाहिए, हम देखिए ब्लेम लगाना जो अभी तक नहीं हो रहा था, अगर कोई अच्छी पहल है तो उसका वेलकम करिए, स्वागत करिए। जगत गुरु चलिए ये आपकी सोच है क्योंकि पैनल बैठा है तो पैनल अपनी अपनी राय बताएगा, क्योंकि डिस्कशन आज इसी पर है कि 6000 तलाकशुदा महिलाओं को दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं अच्छी पहल है तो इसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन तमाम पैनलिस्ट बैठे उनसे भी जरा जान लूं, मनोज जी और अरविंद जी बारी बारी से बताइए, ऐसे वक्त में योजना की बात कही गई, फैसला लिया गया, हालांकि पहले से ही सितंबर के महीने से ही हो रहा था और योगी जी ने इस पर कहा भी था, लेकिन ऐसे वक्त में बोला गया है, क्या लगता है? वेलकम पहले अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्ट हो रही है वो शांतिप्रिय होना चाहिए और समाजवादी पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। अरे रहने दीजिए, आपके सांसद जी जो एफआईआर हुआ था पकड़े गए थे, वो कहां गए? मत बोलिए सर, मत बोलिए, सांसद जी कहां गए? आप बोलिए, मैं अरविंद कठेरिया ये कहता हूं कि मैं किसी हिंसा में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी, तो सर एक एक करके कपड़े उतारूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी सर, ये स्पॉन्सर्ड रहता है सर, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, आप एज अरविंद कठेरिया कहिए, मैं डंके की चोट पर दिखाऊंगी कि अरविंद कठेरिया ये कह रहे हैं
समाजवादी पार्टी के नेता का समर्थन करता हूँ। नो, आप आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर कीजिए। आप ये हिंसा, देखिए सर एक बात बोलू, साधु संत बनने की कोशिश ना कीजिए। साधु संतों पर भी कई आरोप लग जाते हैं और बेचारे दूसरे साधु संत फंस जाते हैं जो सही है। इसीलिए आप साधु संत मत बनिए, मत बनिए। आप बोलिए, अपने अपने टॉपिक पे बोलिए। ऐसे समय में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। देखिए अगर योगी जी ने महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 6,000 रुपया निश्चित लोग, कोई भी अच्छा कदम स्वागत योग है, मैं उस कदम का स्वागत करता हूँ। लेकिन इस समय और भी महिलाएं हैं जो गरीब तबके से आती हैं, दलित महिलाएं हैं, SC ST OBC की महिलाएं हैं, एवं देश में कई प्रकार से पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी तरफ भी आदरणीय योगी जी को ध्यान देना चाहिए। दूसरा मिल तो सबको रहा है, कोई ना कोई पेंशन निराश्रितों के लिए। तीसरी बात मैं एक सर 2019 में तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि यदि योगी जी निश्चित रूप से महिलाओं का मतलब एक मदद करना चाहते हैं तो इनको जो हमारी महिला पेंशन योजना थी उस योजना को भी नहीं बंद करना चाहिए। देखिए आज मैं जितनी भी सरकार है उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपनी अच्छी योजनाएं लाएं लेकिन जो पुरानी योजना है उनको निश्चित रूप से बंद ना करें। वो भी अच्छी योजनाएं हैं, उन्हें क्यों बंद कर रहे हैं। चौथी बात इस समय देखिए मतलब एक ये समझ लीजिए कि मुस्लिम अगर सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को अगर वो पेंशन दे रहे हैं तो ये वोट बैंक तोड़ने का एक हिसाब है। तीसरी बात और ये मुद्दा भटकाने बैलिंग बॉलिंग और बैटिंग आपकी कहीं और हो रही है, कुछ अंदर चल रहा है क्या अंदर खाने। देखिए आप कैमरे पे बैठे हैं सर, सोच समझ के बोलिए, सपा वाले देख रहे होंगे, समझ में आ जाएगा बैटिंग कहीं और के लिए कर रहे हैं। मनोज तिवारी। देखिए श्वेता जी, सरकार के द्वारा जो ये तमाम योजनाएं समय अंतराल पर लेके आई जा रही है और तरह तरह के जो विधेयक लेके आए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार मूल रूप से मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की योजनाएं लेके आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी ज़्यादा संजीदगी है महिलाओं के सम्मान के प्रति और उनके उनके रहन सहन के प्रति, उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तो सरकार को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि जो 500 रुपया है वो राशि जो है किसी भी महिला के लिए, सम्मानित महिला के लिए कहीं से भी जो है उचित नहीं है। और ये जो है सिर्फ बरगलानी और वोट बैंक की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। मेरा अपना मानना है कि देखिए मैं सम्मानित महिला, मैंने भी वही बात अपने भाई से बोली थी कि सम्मानित महिला, तो इसका मतलब जो आके मुझे लगता है कि मुझे कह लेने मैंने आपके इसलिए कह दिया कि सम्मानित महिला, तो इसका मतलब जिनके लिए 500 रुपए दिया गया है वो सम्मानित नहीं है। सवाल सरकार की योजना जब आती है, सरकार की योजना सामूहिक तमाम महिलाओं के लिए है। देखिए मैं इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हूं, मेरा इतना ही सुनिए ना, ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। देखिए मैं सरकार की योजनाओं पर श्वेता जी ने हमारी टिप्पणी जाननी चाहिए और हमारा मंतव्य क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमारा स्पष्ट मानना है कि आज जो हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति है, उस महिलाओं की स्थिति में जैसे बढ़ता हुआ जो है रेप का है मामला या बहुत सारे ऐसे जो महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति सरकार को ज्यादा संजीदगी दिखाने की जरूरत है, ना कि तो वो 500 रुपया दे करके सिर्फ जो है एक वोट बैंक की राजनीति हुआ। ये तो अच्छा कदम है ना मनोज जी, आप तो इतने भोले बन रहे हैं सर कि आपके टाइम में ना उत्पीड़न होता था ना तलाक होता था, श्वेता जी इतने भोले सर। श्वेता जी हमारे एक साथी ने अनुरोध भाई ने यहाँ पर कहा है मनरेगा के संदर्भ में इन्होंने बात में चर्चा कर दी। नहीं मनरेगा में आप तो कहिएगा श्वेता जी हमारी चर्चा कोई भी विषय से अलग हो ही नहीं सकती, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, सवाल मनसा का है और सवाल क्रियान्वयन का है। सरकार लोकसभा चुनाव के समय बेरोजगारों को कितने पैसे देने की बात, वो मैथमेटिक्स तो आज तक मैं नहीं समझ पाई। मैं बताता हूँ, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं समझा पाया श्वेता जी। अनिल मिश्रा और संजीव कौशल यही बैठे हैं, पूछूंगी गणित को अगर ना समझना हो तो विद्यार्थी अगर जिसको गणित समझना ही नहीं हो, आपके गणित समझ में नहीं आई सर। ये जो बेरोजगारों को पैसे देने की बात कहे थे राहुल गांधी, किसी को नहीं समझा नहीं पाए। देखिए राहुल गांधी ये बेरोजगारों को नौकरी ना देके
ये 72,000 में बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फर्क वाली गणित मैं उसको बता देता हूं, समझ नहीं पाते आपका गणित बता देता हूं। यही इनकी गणित, आप उस पर राजनीतिक चर्चा करा दीजिए। 2,500 रुपया पर, देखिए ना मैं आपको बताता हूं, तो आपके प्रधानमंत्री जी, नहीं मैं एक मिनट, 1,030 करोड़ का मकान बनवा देते हैं, ये आपके प्रधानमंत्री इंटरनेट गूगल प्रधानमंत्री के राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर आपको दिया था। देखिए उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में आधारभूत फर्क मैं बता देता हूँ आपको। भैया आलू से सोना राहुल नहीं, बिल्कुल वही बात है। राहुल बना सकते हैं, राहुल गांधी बंदा राहुल ये बोल रहे सीए एनआरसी एनसीआर पब्लिक पे टैक्स है, ये समझ नहीं आ रहा राहुल जी कौन सा ज्ञान बता रहे हैं जी आप लोग, ये कौन सा टैक्स बता रहे हैं और सीए एनआरसी एनसीआर मैं बताता हूँ। अरे राहुल गांधी बता रहे हैं, राहुल जी की गणित है 25,000 आप गलत ये गणित है। राहुल नरेंद्र मोदी का हवाला दिया था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों को हम आप कहां से सुने 2,500 अरे आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है, 72,000 पब्लिक आपको तो सिर्फ पता क्या नरेंद्र मोदी की बात सुननी है बस। नरेंद्र मोदी कहते हैं किसानों को इतना समृद्ध कर देंगे, मनोज जी की किसानों कांग्रेस की बात जो है मनोज जी अनिरुद्ध जी एक मिनट, मेरा सवाल सिंपल सा था मनोज जी से कि आप अगर कोई योजना लाते हैं या किसी तरह की जब आपकी सरकार रहती है तब तो आप हर स्टेट में यही बोल रहे हैं सर किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ, कर्जा माफ करते रहिए हम टैक्स भरते रहे, आप माफ करते रहिए हम टैक्स भरते रहे, कहां से लाएंगे सर? कांग्रेस वाले फंडिंग करेंगे, कांग्रेस वाले फंडिंग करेंगे, हर स्टेट में आप ये बोल रहे हैं। नहीं आपने लोकसभा में कहा, आपने लोकसभा में कोई मैथमेटिक्स नहीं बताई। अनिल मिश्रा आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है अकेले 23.5% बजट देता है। मध्य प्रदेश में आपके खुद के नेता ने बोला ना, मध्य प्रदेश में खुद के नेता ने बोला ना कि कितना माफ हुआ है। जवाब दे रहा हूँ, ये काम है, सुनिए मेरी बात को। जो किसान आपके देश के लिए अन्न देता है, जो आपके बजट को बढ़ाता है, जो आपके लोगों को अन्न देता है, आपको अंबानी और अडानी का कर्जा माफ करने के लिए बैंकों का सही कहा सर, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ अनिल मिश्रा जी। कमलनाथ कृषि मंत्री बोल रहे हैं खुलेआम कि यूरिया की कमी हो चुकी है, क्यों नहीं मध्य प्रदेश किसान पहुंचा रहे हैं यूरिया नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अरे यही वही पार्टी है जो यूरिया घोटाला करती है, ये वही कांग्रेस है जो यूरिया घोटाला करती है, यूरिया घोटाला करती है, वही कांग्रेस है, आज के मुद्दे पर लड़ते हैं, वही कांग्रेस आज के मुद्दे पर लड़ते हैं सर। मनोज तिवारी किसान का दर्जा ही नहीं दिया आपने, दिल्ली में किसान का दर्जा किसान को नहीं है मनोज जी, मनोज जी दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा ही नहीं है। अरे कौन सा दावा, मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। अनिल मिश्रा, एक मिनट, ऐसे ना किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। अनिल मिश्रा, ये जैसे अगर एक पार्टी दूसरे पर ये आरोप लगा रही है कि हमारे समय में ये योजना थी आपने बंद कर दी, अभी कहा अरविंद जी ने कि बंद करके फिर दूसरी योजना, लेकिन तमाम पार्टियों के समय इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। अगर योजना अच्छी है, एक अच्छी पहल की जा रही है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम बैठ रहे थे यहाँ डिस्कशन करने यही कि 6,000 क्या सही होगा नहीं, या फिर सभी वर्गों के लिए किया गया है, तो एक जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती आ रही है बीजेपी के ऊपर कि एक धर्म विशेष की ये अपोजिट विरोधी रही है, उससे ये दाग धुलेंगे, लेकिन मुद्दा तो कहीं और मुड़ गया। आप जवाब तो इसका दीजिए कि क्या इस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है या एक अच्छी पहल है, अच्छा किया जा रहा है, ये भी तो आप देख रहे हैं। इस समय क्या मुद्दा है, डिटेंशन सेंटर में कितने लोग पीड़ित पड़े हुए हैं, इसीलिए गुरु जी हमारे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। देखिए जब आपके नियत अच्छी हो, विचार अच्छे हो, तो निश्चित है कोई ना कोई अच्छी चीज निकल कर आती है। तो कहा गया ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो निश्चित रूप से ऐसी पहल का स्वागत होना चाहिए। और देखिए हर हर
बात के हर घटना के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। निश्चित तौर पर मैं भी कहता हूं इस घटना के दो पहलू हैं, लेकिन प्रथमता ही, प्रथम स्टेप पर ही, प्रथम आपका पहला कदम ही अगर विरोध पर ही खड़ा हो जाता है, नकारात्मक सोच पर ही खड़ा हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कहीं समाज, एक अच्छा समाज नकारात्मक सोच निर्माण तैयार पाए। लेकिन अपनी कहना चाहती हूँ कि नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, जब तीन तलाक का, जब तीन तलाक हमारे मोदी जी ने हमारे एक मिनट मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैंने उसको स्वागत किया था उसका, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ हर न्यूज चैनल में, और हर के अमर आप अपनी बात पूरे वर्ग को लेकर नहीं कह सकती। देखिए बीइंग अ फीमेल मेरी अपनी राय हो सकती है, मैं गवर्नमेंट के बहुत पॉलिसीज के अगेंस्ट हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ। तो आप अपनी बात कह सकती है, लेकिन आपने दो कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे बातें कही कि ट्रिपल तलाक हमारे में नहीं, आपके में नहीं होता है, लेकिन होता तो है, मानिए तो सही। अगर उस पर अभी तक कानून नहीं बना था, कानून बना, आपने बोला आपने मुस्लिम्स में कहा, लेकिन ये होता क्या है मैम? हमने तो नहीं सुना, हमारे में तो कभी नहीं हुआ कि हमारे पतियों ने कभी ऐसा कहा हो। हम मुद्दे से कहीं और जा रहे हैं, मुद्दे से नहीं, आप अपनी पर्सनल बात मत कीजिए ना। मैं नहीं उसी चीज को बता रही हूं, आपके पास कोई पॉइंट है आप रखिए, नहीं तो सबसे पहले मैंने उसका स्वागत किया था। जैसे आपने कहा कि हमारे मजहब में ऐसा था ही नहीं, और आप कहती हैं ट्रिपल तलाक का हमने सबसे पहले स्वागत किया था, आप तो दो तरह की आप समझिए, आप समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे मजहब में तीन तलाक जैसी कोई प्रथा नहीं थी। आपके जितने धर्म गुरु हैं बिल्कुल आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल बदनाम। मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बिल्कुल पैगम्बर और मौलाना है, पीर पैगम्बर मौलाना नहीं है, ये जो मौलाना आके बैठ गए हैं जिनको नहीं पता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो मौलाना है सिर्फ खासकर उन्हीं लोगों को सामने लाया जाता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ वो मौलाना सामने आते हैं, भटक रहे हैं। नहीं मुद्दे से नहीं भटक, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में, पर्सनल मैं एक मिनट में बता रही हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड में सबको आप ही बताएंगे तो फिर इतने लोगों को बैठना बेकार हो गया ना सबके बीच में। आप थोड़ा धैर्य से सुने, आपको भी मौका मिलेगा बिल्कुल। आप ये चीज है ना कि बात सुनिए, पर जो चीज हमें बताया वो हम बता सकते हैं, जो आपको बताया वो मुझे धैर्य बार में बोलिए ना, आप भी सुनिए बार में बोलिए ना। मैं तो देखिए अभी तक मैं वही कहना चाह रहा था, जीने जी उत्साहित है, निश्चित है इनका कुछ दर्द है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि अगर स्वागत योग्य कदम है तो निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करते हुए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने दिया है कुछ ना कुछ दिया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब उसके कई पहलू आते हैं, एक मिनट में सब क्लियर कर देता हूं। लगभग 16.5 रुपए पर डे के हिसाब से आएगा। अगर 16.5 रुपए को आपके यहाँ दो वर्ग होते हैं, तो सामान्य वर्ग, अति उच्च अमीर वर्ग तो होता ही है, पिछड़ा वर्ग बाद गरीब वर्ग, गरीब वर्ग बाद अति गरीब वर्ग आता है। अगर आप इसको काउंट कर लें तो अति गरीब वर्ग में भी नहीं आता। बात यहां पर भी नहीं रुकती है, गवर्नमेंट ने फिर मैं कहूंगा कुछ तो दिया। अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही, केवल यही एक स्कीम के आधार पर महिलाएं नहीं जी रही, बहुत सी स्कीम चल रही है उसमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये प्लस हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ये आया तो किसके लिए आया, जो अभी तक आप भी जानना चाह रहे थे, सभी पैनलिस्ट कर रहे थे, निश्चित रूप से ये वोट बैंक की राजनीति है, निश्चित रूप से भारत की राजनीति के तहत ही ये किया गया है। मैं खुल के बोल दे रहा हूं, तीन तलाक का आप लोग इतना उदाहरण दे रहे हैं, आखिर तीन तलाक का बिल अभी पास हुआ, तीन तलाक किसके लिए था? सर्वविदित है, हमारे यहां भी तलाक का, सब जगह तलाक का एक सिस्टम है, लेकिन उन तलाक में, उन तीन तलाक में जमीन आसमान का अंतर था। हमारे यहां जब भी तलाक होता है या किसी अन्य धर्मों में तलाक होता है, उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाद वहां परमानेंट गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसको अधिकार दिया गया है, हम मांग सकते हैं। इकलौता ये धर्म था जहां पर ये कुछ विवादित चीजें थी, जिसका सरकार ने एक निराकरण किया, लेकिन उस निराकरण में अगर आपको याद हो, तीन तलाक का विरोध जो अन्य विपक्षी पार्टियां कर रही थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक आधार था कि जिस महिला को तलाक मिल जाएगा और आदमी जेल चला जाएगा तो उसका क्या, उस महिला का क्या होगा? कहीं ना कहीं उसको दूर करने का जो एक मैसेज गया था तीन तलाक के थ्रू, जो एक अधिसूचना जारी की गई थी जब ये पास हुआ था सर, जो मेरे नॉलेज में है कि केंद्र सरकार ने जब ये कानून बन गया था
ट्रिपल तलाक का 1 अगस्त को, उसके बाद अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें यूपी में ये पहले ही योगी सरकार कह चुकी थी कि अगर तलाकशुदा जो महिलाएं होंगी, लेकिन इसमें सभी वर्गों को रखा गया। लेकिन मैं एक मिनट में क्लियर कर दूंगा। मेरा ये कहने मतलब 3 तलाक के द्वारा जो, अब देखिए राजनीति कहां हो रही है, जिस सरकार ने या जिस पार्टी के ऊपर हम लोग बहस कर रहे हैं, जो एक मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने फेवर में कर लिया था, महिलाएं बहुत खुश थी, लेकिन ये जो विगत 15 दिनों से जो माहौल बना है, जो एक CA से लेके NRC से लेके NPR से लेके जो एक माहौल बिगड़ा, उसमें कहीं ना कहीं पूरा जो एक सहानुभूति की लहर थी वो छूटती दिखाई पड़ी। तो निश्चित रूप से ये राजनीति के तहत सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है, जहां सरकार की और NRP को आप एक साथ मत जोड़ो, ये दोनों अलग अलग है, जहां सरकार की ये नीति है, और मैं इसकी तारीफ करता हूं इस सरकार की, इस पार्टी की, बहुत बड़ी बात है कि मुद्दों को कैसे मैनेज किया जाए, तो पूरे के पूरे माहौल को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। चलिए जीनत, आप कह रही हैं कि नहीं, ये माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है, तो फिर क्या है ये? मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा है कि हमारे मजहब में 3 तलाक नहीं थी, ये कुछ उन जाहिल मौलानाओं की, मैं आपके चैनल से उन मौलानाओं को कहना चाहती हूँ कि उन मौलानाओं की गलती थी जिन्होंने कभी इस चीज को क्लियर नहीं किया कि हमारे मजहब में एक बार में 3 तलाक कहने से 3 तलाक नहीं होती है। जब ये बिल पास हुआ तो सबसे पहले मैंने मिठाई बांटी थी और उसका स्वागत किया था। उसके बाद अभी प्लीज हंसने का मुद्दा नहीं है, मैं इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसलिए कि अब जो महिला मेरे पास आ रही हैं, मैं उनका खुद केस सॉल्व करवाना चाहती हूं, पर कहीं से कहीं तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार ये दोहरा रूप क्यों है? लेकिन जिनका जिनको 3 तलाक के लिए, किसके किसके लिए दूसरा है? नहीं जीनत, मैं एक बात बताऊं, आप गलत तार को छेड़ रही हैं। मैं गलत, एक होता है नहीं दिया गलत कानून बनाना। आप एक मिनट जीनत, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। निर्भया के बाद फिर से सख्त कानून बनाए गए रेप को लेकर। आज क्या रेप देखकर होता है हिंदू है कि मुस्लिम है कि कौन है? जब भी किसी महिला, किसी लड़की, किसी नाबालिग, किसी बच्ची का शोषण होता है तो हम आवाज उठाते हैं, कानून बनते जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन की कमी हो रही है। देखिए दो अलग मैटर है। कानून बन गया है, अधिकार मिल गया है, इसको लिए जागरूकता अलग है। इफ्रा आपके पास कोई पॉइंट है? इफ्रा आपके पास कोई पॉइंट है? तो निर्भया की बात करती है, उसके बाद एक शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हम निर्भया की बात ऐसी जगह करते हैं जिसके रेपिस्ट आज तक जिंदा है, जिसके रेपिस्ट आज तक जिंदा है। उसके बाद एक प्रियंका रेड्डी का केस भी हुआ था, जब प्रियंका रेड्डी की बहन ने पुलिस को फोन किया था कि मेरी बहन मिल नहीं रही, तो पुलिस ने कहा कि 4 घंटे तक। सबको पता है, इफ्रा पॉइंट रखिए, पॉइंट रखिए। मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी, उन्होंने पुलिस ने, आप किसको बताना चाहेंगे, पूरे देश को पता है, आप पॉइंट रखिए ना, कि तुम्हारी बहन भाग गई होगी इसीलिए आप क्या बात कर रही है इफ्रा जी, ये तो सबको पता है। इसीलिए अगर पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया होता 4 घंटे में वो बच गई होती। क्या होता है, क्या बात आप कर रही है? इसीलिए आपको बोलने दिया ना, स्टोरी बहुत बताती, फैक्ट आपके पास होता नहीं। हमें लगता कि कहां से आपको ज्ञान मिलता है, राहुल गांधी जी का हमें लगता है ज्ञान रहता है। कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, नेतृत्व में है वैसे विद्वान नहीं भैया, हम 2500 वाले नेतृत्व में नहीं है, हम आलू से सोना वाले नेतृत्व में नहीं है, हम 35 वाले नेतृत्व में नहीं है। विद्वान साबित कीजिएगा, पूरा देश जानता है। सुनिए मैं एक बात जो बात हम बात की जा रही है जैसे सर ने की बीजेपी के इंटेंशन की, बीजेपी वो पार्टी है जिसमें 113 जो उनके MP हैं हमारे संसद में बैठे हुए, उन पे क्रिमिनल केस है, बलात्कार का केस है। राजीव गांधी जी जो आपके लिए कंप्यूटर लेके आए थे, उन्हीं की सरकार थी, आप क्या बात कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी वो हर जगह है, महिलाओं के डाइवर्जन हर जगह है। संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं, डाइवर्जन हर जगह है। देखिए मुद्दा कुछ है और आप लोग खुद घुमाए जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी को तो मुझे लगता है कि जवाब देने से बच जाते हैं, सवाल पे आने नहीं दे रहे हैं। संजीव कौशिक देखिए बात एक शब्द में मैं इनको, इनकी हौसला मतलब इन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कंप्यूटर ले, राजीव गांधी कंप्यूटर ले या तमाम तरीके कांग्रेस के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं
70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया? अनुरोध भाई बहुत महिलाओं की स्थिति बहुत सुधारने के लिए तत्पर है या कुछ करना चाहते हैं क्या? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी भूमिका मजबूत हो या कुछ करना चाहते हैं यदि वो करना ही चाहते थे तो बेहतर होता कि जो तलाक शुदा महिलाएं हैं उनके बच्चों के बारे में सोचते, उनके बच्चों के अच्छे तालीम के बारे में सोचते, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते। महिलाएं सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उसके पीछे जो लॉजिक जो कारण है उसके बारे में सोचते। ये 500 रुपये या 1600 रुपये रोजाना, मैं समझता हूँ कि तुष्टिकरण के लिए उनकी भूमिका मजबूत हो या कुछ करना चाहते हैं। यदि वो करना ही चाहते थे तो बेहतर होता कि जो तलाक शुदा महिलाएं हैं उनके बच्चों के बारे में सोचते, उनके बच्चों के अच्छे तालीम के बारे में सोचते, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते। महिलाएं सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उसके पीछे जो लॉजिक जो कारण है उसके बारे में सोचते। ये 500 रुपये या 1600 रुपये रोजाना, मैं समझता हूँ कि तुष्टिकरण के लिए उनकी भूमिका मजबूत हो या कुछ करना चाहते हैं। यदि वो करना ही चाहते थे तो बेहतर होता कि जो तलाक शुदा महिलाएं हैं उनके बच्चों के बारे में सोचते, उनके बच्चों के अच्छे तालीम के बारे में सोचते, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते। महिलाएं सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उसके पीछ
खुद अपने पैरों, खुद अपने पैरों पे और ये जरूरत ना पड़े। ये जगत गुरु 2019 में आपसे इसलिए पूछना चाह रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, 2019 में जनवरी की जब शुरुआत हुई थी तो किसान निधि का जब और वृद्धावस्था की बात हुई थी, पेंशन योजना जो चल रही थी उसमें साधु संतों के लिए भी पेंशन की बात हुई थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये यूपी की ही खबर है सर, कि 2019 जनवरी में मैंने कई अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी, साधु संत जो है वो अपने पेपर दे, अगर वो यूपी से हैं उनके पास यूपी के कागजात हैं तो उन्हें भी पेंशन मिलेगी। सर कोई इन्फॉर्मेशन, क्या ऐसे कोई साधु संत हैं जो पेंशन उठा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि संतों ने मना कर दिया कि हम लोग इसलिए नहीं लेंगे कि संतों का यह है कि हमारा कोई खर्च नहीं है, जितना है तो उसको हम लोग सक्षम है पूरा कर लेने का, क्योंकि संत देश को मजबूत करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमारी ये सिस्टर कह रही थी ट्रिपल तलाक की बात, ट्रिपल तलाक के बाद हलाला होता था। एक मिनट आप अपने पहले आप सुन लीजिए, योगी जी देश को मजबूत कर रहे हैं। सुनने का मैं आचार्य जी बहुत दूर नहीं ले जा रही हूँ, अभी NRI जो सब चल रहा है इसके अंदर आप मुजफ्फरनगर में जाके महिलाओं की हालत देख लीजिए, मुसलमान महिलाओं के लिए वो इज्जत की बात, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमान महिलाओं के लिए NRC आप सुनिए पीट लगा रहा है, कोई उठाने वाला है, पहले सुनिए भी, NRC बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी पहल है सरकार की, इसका विरोध करने वालों को सोचना होगा। कैसी बात करते हैं, बाबा जी राजनीति करने लगे, बाबा जी राजनीति करने लगे, अरे साहब कांग्रेस को घुसपैठियों से लगाओ क्या, आप बताइए ना कांग्रेस को घुसपैठियों से लगाओ क्या, और NRC कौन लेके आया था, राजीव गांधी लेके आए थे नहीं लेके आए थे कंप्यूटर के बाद, अच्छा बताओ सत्ताईस में लाए थे नहीं लाए थे कंप्यूटर के बाद NRC राजीव गांधी जी, आप बताओ ना आप समस्या क्या है, आप गांधी जी नेहरू जी का सम्मान नहीं कर रहे, बड़ा दुख की बात है, अच्छा आप NRC कौन लाया था, आपको अनुज भाई बताता हूँ, NRC से कंप्यूटर के बाद लाए थे राजीव गांधी नहीं लाए थे, हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, घुसपैठियों से क्यों दिक्कत आपको होती है, प्यार क्यों है घुसपैठियों से, घुसपैठियों से प्यार क्यों है आपको, आप बोलो ना, चलिए हो गया दोनों के पास एक मिनट, अरविंद कठेरिया के पास मैं जाना चाहूंगी क्योंकि जगत गुरु ने जवाब दे दिया कि साधु संतों के लिए यह आया था, साधु संतों ने मना कर दिया, आंकड़े अभी फिलहाल मैं लेकर नहीं आ सकती कि आंकड़े कितने हैं कितने साधु संतों ने, क्योंकि वो आंकड़े जो होने चाहिए वो स्ट्रांग होने चाहिए इसलिए, लेकिन मैंने रिपोर्ट रखी आपके सामने। कठेरिया जी, उस वक्त तो बड़ा अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई साधु संतों को 6,000 क्यों, 500 रुपए महीना क्यों, 20,000 देने चाहिए, जगत गुरु मना कर रहे हैं, आप 20,000 मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं रामलीला के पात्रों को भी हम पेंशन देते हैं, तो क्या आप राजनीति नहीं कर रहे थे? जी मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार 2014 के बाद 5 साल ये केंद्र में राज्य कर चुका है, इसके बाद फिर इनकी सरकार बन गई है और आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। देखिए हम उनके पहले भी कह चुके हैं, हम उनके डिसीजन का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस समय जैसे CAB CAA NRC बिल का हमारे देश में हंगामा मचा हुआ है
और हंगामा मचा हुआ है और संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं उस समय ऐसी पहल का कोई कोई वो उसकी पहल का कोई औचित नहीं है। अरविंद जी सवाल नहीं होना क्या इसके और और राजीव गांधी के चरण में जी और राजीव गांधी को सवाल ये सवाल आपने नहीं सुना कल हो करके सड़क पर आप पहले नागरिक हो गए अनुरोध जो बोले आप करें तो चमत्कार हम करें कि गलत है सर क्या बात कर रहे हैं कर रही है अरे सर मनोज जी एक मिनट अनिरुद्ध जी और मनोज जी और अनिरुद्ध जी क्या एनआरसी आज मुद्दा है आज एनआरसी मुद्दा है आज सीए मुद्दा है क्या प्लीज मनोज जी लेट मी कंप्लीट आप रोहिंग्या मुसलमान आज मुद्दा नहीं है मनोज जी आई वॉन्ट अलाउ मनोज जी प्लीज यार आप ऐसे कैसे डिबेट आप आगे बढ़ाएंगे मनोज जी आपका मंच नहीं है ये मनोज जी ये आपका मंच नहीं है आपका मंच नहीं है मनोज जी एक मिनट मैं किसी से जवाब नहीं लूंगी मनोज जी अरे मनोज जी एक मिनट शो कौन कंडक्ट कर रहा है मनोज जी सही तरीके से किस तरीके मनोज जी आपको अगर सिर्फ अपना नंबर बढ़ाना है अपनी पार्टी में तो प्लीज कंटिन्यू आई वॉन्ट आस्क एनी क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं यहाँ शो मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो सवाल मैं पूछूंगी बिल्कुल पूछिए मैं अरविंद जी के पास गई हूँ उन सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप एनआरसी और सीए आज मुद्दा है क्या सर अगर रहता तो मैं कंटिन्यू कर देती प्लीज प्लीज एक मिनट मुझे आने देंगे तब तो आप भाजपा प्रवक्ता के पास आप आने देंगे तब तो अरविंद कठेरिया सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए आप तो रामलीला के पात्रों को पेंशन देने की बात आपकी छाती ठोक कर सरकार कह रही थी आज आपको दिक्कत आ रही है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है ये है क्यों आप चैनल के माध्यम से आप ये बात बोल रही हैं आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था वो क्या था वो एक सिंपल कमेंट था कि देखिए यहाँ साधु संतों को पेंशन देने का क्या मतलब होता है एक प्रकार से वो विरोध था आपको मैं अपने सार्कज़म में बोला था जी 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 फिर रामलीला के पास की मतलब आप महात्माओं को महात्माओं को 30,000 रुपया देने का क्या मतलब होता है इस देश में इतने मतलब दलित और बहुत सारी महिलाएं जो हमारी पीड़ित हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं शिक्षा पे कोई बात नहीं आज शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए बताइए हमने आप उनका स्वागत किया लेकिन जिस समय पर ये डिसीजन गलत समय पर डिसीजन लिया जाता है ये गलत है कितनी महिलाएं परेशान है महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा ऐसे डिसीजन का क्या मतलब योजनाएं लागू की जा रही है कई योजनाओं के नाम पड़े हैं सर मेरे पास कन्या सुमंगला योजना श्रम योगी मानधन योजना गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक एक मिनट अरविंद जी एक मिनट पूछ लेने दीजिए अब बीजेपी से पूछ रही हूँ उसमें भी पूछ तो लेने दीजिए फिर कहिएगा हमारे ऊपर आरोप लगाइएगा कि सवाल नहीं पूछते पूछिए आप पूछिए भाग्य लक्ष्मी योजना विधवा महिलाओं के लिए मदद निराश्रित महिलाओं पेंशन योजना और अब ये योजना इतनी सारी योजना है सर और राजकोषीय घाटा आपका 44 करोड़ 53 लाख और इस अगले साल 2019-20 की बात करें तो 46 पहुंच जाएगा 46 करोड़ 911। तो सर कहां से करेंगे एक तरफ तो होमगार्ड की कहते हैं कि भाई दिन घटाओ हमारे पास ऊपर से प्रेशर है हमारे पास राजकोषीय घाटा जो है बढ़ रहा है अनुदेशक शिक्षकों का अभी तक हाल देख लीजिए सर कई अनुदेशक शिक्षक मुझे खुद कहते हैं कि मैम हमारे लिए हमारी आवाज बनिए हमारी आवाज उठाइए कहां से करेंगे सर कहां से करेंगे देखिए जब कोई योजनाएं लागू की जाती हैं
न्यू योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है कि हम फंड कहाँ से रिलीज करेंगे, कैसे लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिना पैसे की योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। और राजकोषीय घाटा आज तो बहुत कम राजकोषीय घाटा, एक टाइम तो बहुत राजकोषीय घाटा हुआ करता था, ज़्यादा नहीं 2014-15 डेटा निकाल लीजिए, उस टाइम का डेटा निकाल लीजिए, आज के डेटा से कंपेयर कर लीजिए, आज के टाइम पर देखिए जब हमें गड्ढे में सरकार मिली थी हम लोगों ने किस तरीके से मोटिवेट करके, अरे बता दीजिए आपने क्या किया था, कंप्यूटर जो राजू जी लाए ढूंढा आपने मनरेगा वाला कि नहीं ढूंढा, इतनी देर आप क्या कर रही है, आप राजू गांधी जी को कंप्यूटर लाए थे क्या किया आपने, आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा, अरे आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस मुल्क में अभी, अरे कहां बेरोजगारी, अरे भैया हम राहुल गांधी की बेरोजगारी की चिंता नहीं है, रावत वढेरा की बेरोजगारी की चिंता नहीं, हम देश के बेरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता ने जिसको चुना है उनकी सरकार के लिए, राजीव गांधी जी का बेटा अगर बेरोजगार है तो वो सोनिया जी की जिम्मेदारी है, वो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की बेरोजगारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा के बेरोजगारी की जिम्मेदारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर वो बेरोजगार हो रहे हैं उनका काला धन चौपट हो रहा है तो उसमें क्या करें हम, उसमें क्या करें भारतीय जनता पार्टी, अगर रॉबर्ट वाड्रा उनके चमचे बेरोजगार हो रहे हैं, राहुल गांधी बेरोजगार हो रहे हैं, हम क्या करें, राहुल गांधी की बेरोजगारी की चिंता नहीं है, हम जनता के रोजगार की चिंता करते हैं, 130 करोड़ भारत के लोगों की चिंता करने करते हैं, ये राहुल गांधी की बेरोजगारी की चिंता नहीं करते, वैसे भी एक मिनट का वक्त मेरे पास नहीं है, काम करती है 10,000 करोड़ ज्यादा प्रॉब्लम में सरकार चल रही है, 70 वर्षों से और सरकार पहले भी खराब जा रही है, 70 वर्षों जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपकी कौन सी ऐसी योजना है जिस योजना को आप सही तरीके से क्रियान्वित करता है, सिर्फ मुझे एक योजना का नाम बता दीजिए, और रही बात आप बार बार इतिहास की बात योजना की चिंता मत करिए, अरे मैं योजना आप देख लीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ लगातार बताऊंगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म करके दिखा दे, 300 योजनाएं 300 नीतियां हैं आपके पास, सुनवाऊ आपको योजना, गिनवाऊ आपको, अरे फसल आपके पास क्या योजना है, राहुल बचाओ योजना, कांग्रेस बचाओ योजना, नेशनल हेराल्ड योजना, रावण बटेरा योजना, आपके पास ये योजना है, पी चिदम्बरम योजना, अरे फ्रॉड तो आप है, आपका हर टॉप 10 लीडर देश में घूम रहा है, पी चिदम्बरम जेल से, देश की दो बड़ी पार्टियां हैं आप बताइए, और ये विलंबना भी है देश की, क्या मुद्दा है, अच्छा इटली जाकर हमें नागरिकता हम देश की दो बड़ी पार्टियां हैं, इटली की विलंबना है, इटली जाकर नागरिकता वो समझाएंगे, ये सवाल पूछने भी नहीं देते, चलिए प्रधानमंत्री को वाइंड अप का इशारा मिल चुका है, वाइंड अप का इशारा मुझे मिल चुका है, और आप लोग इस तरीके से बहस ही नहीं करने देते कि जनता कुछ समझ पाए, जनता तक कुछ पहुंच पाए, लेकिन तमाम मुद्दे आप लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलिए सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपने डिबेट को मैं पॉजिटिव नोट पर एंड करती हूँ, तो पॉजिटिव नोट यही है कि अगर किसी तरह की योजना की शुरुआत की जाती है अच्छे मंच से तो दिल से स्वागत जरूर करना चाहिए, लेकिन देखना जरूर होगा यहाँ पर कि इतने पैसे में क्या मिल पाएगा, क्या उसका क्रियान्वयन सही से हो पाएगा, क्या और इसमें बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे जनता को कितना फायदा होगा इसको आपको ही देखना होगा, इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूं, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। योगी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, नई योजना चलाने से क्या फायदा, पहले जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उन पर प्रगति की जाए, सिर्फ और सिर्फ हौसला है।